परमिशन नहीं मिली है शूट करने की। क्रिस्पी कॉर्न क्रिस्पी नहीं है यार, क्रिस्पी वाला लाओ। अगर सच्ची बताऊं मुझे बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि ना टेस्ट आ रहा था किसी चीज का, ना स्मेल आ रही थी। यहाँ से मेरा मन तो उठ चुका है। जब से ये बना है तब से ऐसे ही है, तो हालत थोड़ी सी खस्ता हो चुकी है। ये गार्लिक ब्रेड नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है ब्रेड के ऊपर चीज डाल के दे दिए। ऐसा लग रहा है मैं कड़छी से कुछ खा रही हूँ निकाल के। मतलब हमने साथ में डाइट कोक ली, तो 165 की डाइट कोक है, बाहर 40 रुपए की मिलती है। हेलो फूडी, स्वागत है आपका फूडी वीडियो में। तो गाइस की तरफ लेके आ गए कुछ नो का कुछ कुछ विश्वसनीय। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम ट्राई करने जा रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के बुफे। तो गाइस आप लोगों ने कभी ना कभी तो अपने परिवार के साथ जाके बुफे तो खाया ही होगा। अगर रेस्टोरेंट में नहीं खाया तो शादियों में खाया पड़ेगा। देखो ये ऐसे लोग होते हैं जो शादियों में सिर्फ खाना खाने जाते हैं। फूडी के लिए जगह नहीं है। सही बात है, मैं बिल्कुल जाता हूँ। अगर आप जाते तो कमेंट करके जरूर बताना। तो आज हम सस्ते से लेके महंगा बुफे ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वो वर्थ इट है या नहीं। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, करते हैं वीडियो को शुरू। तो जी अपनी शानदार सी बुफे वाली वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं 99 रुपीज के बुफे के साथ। भाई साहब दुनिया का सबसे ज्यादा सस्ता बुफे है ये। देखो जिन कनाडा वालों को यूएस वालों को नहीं समझ आ रहा है, तो $1 to $1.5 के बीच में आपको अनलिमिटेड फूड मिलता है भाई। $1 समथिंग समथिंग सेंट। अब जरा देखते हैं वर्थ इट होएगा ये एक्सपीरियंस या नहीं। देखो सबसे पहले एमबीएस की बात करें तो एमबीएस बहुत ही ज्यादा डिसेंट है और 99 रुपीज में आपको 12 से 13 आइटमें मिलती हैं, बट इसमें स्नैक्स भी मिलते हैं आपको भाई, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलता। तो जी अपना जो दूसरा पॉइंट है वो है जी प्रेजेंटेशन और क्लीनलीनेस। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा सिंपल सी है, खाना आपके सामने लगा हुआ है, और क्लीनलीनेस भाई साहब पूरा नीट एंड क्लीन है मामला। भाई साहब 100 रुपए में कढ़ाई पनीर भी मिल जाता है यहाँ पे। अभी आइटम है रोज यही रहती है, अलग अलग चेंज हो जाती है, सीजनली आइटम के हिसाब से चेंज करती रहती है। भैया रोटी कौन सी है? मिस्सी रोटी, तंदूरी रोटी और प्लेन नान। प्लेन नान दे दो। 1, 2, 3, 4 थैंक यू। हैरानी की बात ये है कि सिर्फ ये क्वांटिटी नहीं दे रहे हैं 99 रुपीज में, क्वालिटी भी देखो। कढ़ाई पनीर, राजमा, छोले, कढ़ी, चाउमीन, 3-4 तरह की रोटी, पास्ता। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके लस्सी, छाछ वो सब भी ले सकते हो। अब जल्दी से टेस्ट करते हैं और बताते कैसी है। ओहो कुंकार भाई ये लो कड़क कड़क नान। गुड, वेरी गुड। देखो पंजाबी ढाबे में आके कड़ी नहीं खाई तो फिर कुछ मिस कर दिया है ना भाई। एक बार कड़ी पकौड़ा खाते हैं। खट्टी कड़ी मजा आ गया। मेरे ख्याल से ये जगह जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए तो पैराडाइज है, क्योंकि उस टाइम पे जेब में पैसे होते हैं कम और भूख लगती है ज्यादा। यहाँ पे आके अपना पेट भर लो, और इनकी सिर्फ एक ही शर्त है वेस्टेज नहीं करनी। वेस्ट पर वेस्टेज अगर कर ली हुई है तो 100 रुपए का जुर्माना है। तो अगर खाने के टेस्ट की बात की जाए तो ये है बिल्कुल एंड गल बात। और मैं ना ओनर से एक चीज पूछना चाहता हूँ, मैडम जी 99 रुपीज इतनी वैरायटी किवें दे पा रहे हो? स्टार्टिंग जरा सा मोटिव सी ना कि असीं सोचा सी कि अलग जिहा कंसेप्ट मार्केट च लैके आवां। मैनूं हुण 7 साल हो चुके ने बफे नूं चलांदिआं नूं, बट जदों असीं 99 शुरू कीता सी उदों चीज़ां इन्नी एक्सपेंसिव नहीं सी, बट अज दी गल करिए ते बहुत एक्सपेंसिव है। सो इस करके हुण साडे लई टफ हो चुका है। पर जदों असीं देखदे हां कि परमात्मा दी कोई बख्शिश है, कोई इहो जिहे मजबूर लोग है जिन्हां लई 100 रुपया भी मुश्किल है, तो दिल तों जदों सानूं विश दे के जांदे आ ना, इस जगह का नाम है पैना दा ढाबा। जो लोकेशन है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे खाना खा के, एंड आई विश अपने दिल से कि ऐसे रेस्टोरेंट्स और खुले जो ऐसी सेवा करे और हमारे चेहरे पे स्माइल बरकरार रहे। हम आ गए अपने मिड रेंज बुफे ट्राई करने के लिए बफे हट में। और यार बफे हट ना एक टाइम पे हमारा फेवरेट हुआ करता था, बट बाद में ना इनकी क्वालिटी थोड़ी हाँ। कम हो गई थी। अब देखना ये कि क्वालिटी इन्होंने बरकरार रखी हुई है, कुछ चेंजेस आए हैं या फिर वैसे सिस्टम है। तो बफे हट ट्राई सिटी वालों को अच्छे से पता होगा, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे कभी ना कभी बुफे खाया है नीचे कमेंट कर दो। और आपके शहर में मिड रेंज में कौन कौन से बुफे मिलते हैं और किस प्राइस में मिलते हैं वो भी कमेंट कर दो। अब जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या इनकी क्वालिटी अभी भी मेंटेन है या नहीं। तो गाइस आ गए फाइनली हम बफे हट के अंदर, और सच्ची बताऊं हमें यहाँ ना परमिशन नहीं मिली है शूट करने की। तो आज होने वाला भाई साहब फूडी का पहला स्टिंग ऑपरेशन। लाओ भैया धन्यवाद। तो गाइस खाने के अंदर वैरायटी तो यहाँ पे पूरी है, और अच्छी बात यह है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स अनलिमिटेड है।
थैंक यू। तो गाइस बूफे का प्राइस है यहाँ पे 525 रुपए। एम्बियंस इज गुड इनफ, प्राइस भी बहुत ज्यादा जेन्युइन लगा मुझे। एक बार सारी चीजें टेस्ट करते हो तो पता कैसी है। देखो दिखने में ये स्नैक जितने मुझे टेम्पटिंग लग रहे हो, बट ये मुझे सारे के सारे बिलो एवरेज लग रहे हैं फिलहाल। ये क्रिस्पी कॉर्न क्रिस्पी नहीं है यार, क्रिस्पी वाला लाओ। दही कबाब नाम का ही है, दही आई नहीं इसमें। तो गाइस स्नैक्स में तो आया नहीं मेरे को बिल्कुल भी मजा। अब एक बार मेन कोर्स लेते हैं और देखते हैं मेन कोर्स कैसा होता है। आपको बताने की बफे हट 499 में वेज बफे दे रहा है, क्या वो वर्थ इट है कि नहीं है। और मैं सच्ची बताऊं मुझे बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगा। अंदर का एम्बियंस अच्छा है, बैठने में अच्छा लगता है, आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो, बट स्नैक्स बिलो एवरेज थे। भाई साहब दाल मखनी और कढ़ाई पनीर वो तो बिल्कुल ही स्वाद नहीं था, क्योंकि ना टेस्ट आ रहा था किसी चीज का, ना स्मेल आ रही थी। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स अनलिमिटेड है, जितनी भी ले सकते हो, तो बच्चों के लिए बड़ी अच्छी चीज है। बट खाना इनको इम्प्रूव करना चाहिए, यहाँ से मेरा मन तो उठ चुका। ब्रेड के साथ मुझे खानी पसंद है जैम। अगली जगह जहाँ हम पहुँच गए उसका नाम है कैप्टन। देखो ये दाल रोटी सब्जी वाले बूफे तो आप सबने देखे होंगे, खाए होंगे, पर अब आपको दिखाने जा रहे हैं मॉडिफाइड वर्जन ऑफ बूफे। आप देख के हैरान हो जाओगे कि ऐसे ऐसे बूफे भी हैं। तो जी सबसे पहले बात करते हैं इस जगह की एम्बियंस की, जो कि मुझे लगता है रेनोवेट होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता में है। जब से ये बना है तब से ऐसे ही है, तो हालत थोड़ी सी खस्ता हो चुकी हुई है। मतलब मैं इसके एम्बियंस को 10 में से 5 नंबर दूंगी। मैं भी इसको 10 में से 5 दूंगा। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खाना कैसा होने वाला है। अब जी बात करते हैं यहाँ के बूफे की, जिसकी कॉस्ट है 400 रुपए, जिसमें हमको मिलता है पिज्जा अनलिमिटेड, गार्लिक ब्रेड अनलिमिटेड, सैलेड अनलिमिटेड, सूप अनलिमिटेड, और मीठा भी मिलता है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो एक बार ही है। मैं तो भाई खाने वाली हूँ अपना सैलेड, और उधर ओंकार जी ने अपनी ये मंगवा लिया हुआ है पिज्जा। तो जी सैलेड के अंदर जो वैरायटी है ना वो है जी बेशुमार। 21 टाइप के इनके पास सैलेड है। तो देखे मैं तो खुश हो गई हूं। टेस्ट वाइज बोलो तो ओके है, ठीक है, ऐसे नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा टेस्टी है या बहुत ज्यादा बेकार है, इट्स ओके। गार्लिक ब्रेड आ गया अपनी। तो जी चेक करते हैं चीज पुल आएगा कि नहीं। गरम गरम गरम, थोड़ा सा इसी में नंबर मैं दे दूंगा इसको, थोड़े से अच्छे क्योंकि चीज पुल आया है। गार्लिक ब्रेड नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है ब्रेड के ऊपर चीज डाल के दे दिए। गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है? नहीं 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 आ रहा। मैं सोची थी अब आएगा बट नहीं आया, बट नॉट बैड, ठीक है। तंदूरी एक्सप्रेस, तंदूरी एक्सप्रेस। वैसे तो देखो यहाँ पे 3 वैरायटी के पिज्जा मिलते हैं, पर हमने सिर्फ एक मंगाया है क्योंकि और भी जगह पे ट्राई करना है। भाई साहब बड़ा भरभर के चीज डाला हुआ है, फ्रेश है, गर्मा गर्म है। मुझे थिन क्रस्ट पर्सनली ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत गर्म है। अच्छी चीज ये लगी कि गार्लिक ब्रेड भी एकदम फ्रेश थी और पिज्जा भी एकदम फ्रेश था, फ्रेश बहुत अच्छी है, फ्रेश का मामला पूरा। अब बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी। अगर आप ग्रुप में आ रहे हो, झुंड में आ रहे हो, अगर आपकी किट्टी पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, देन इट इज गुड ऑप्शन। और टेस्ट की अगर बात की जाए तो टेस्ट थोड़ा सा एवरेज कहूंगा मैं। क्वांटिटी आपको अनलिमिटेड मिल रही है, उसके अलावा भाई साहब मुझे लगता है 400 रुपए में अनलिमिटेड पिज्जा ऐसी बैठने वाली जगह पे कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इसको वैल्यू फॉर मनी बोला जा सकता है। हाँ, अब जरा अगली जगह पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं वैल्यू फॉर मनी हमें मिलेगा या नहीं। बोल बोल के थक गया मैं मुक्ति को कि तुझे लिया हुआ है गोद। अगली डेस्टिनेशन पे हम आ गए जिसका नाम है जीटी रोड। मतलब ये क्या रोड पे पड़ता है? देखो नाम तो ये रोड का ही है, बट मुझे लगता है बहुत ही यूनिक कंसेप्ट होने वाला है। हम चले गए हैं अब अगले लेवल पे, प्राइसिंग भी ज्यादा है और वैरायटी भी बहुत ज्यादा होने वाली है। देखना ये कि ये वर्थ इट होने वाला है या नहीं। लेट्स गो। भैया मेरे को एक चीज बताओ, खाने में वैरायटी कितनी है? 100+ 100+ जी। सौ गिना दोगे? बिल्कुल सर गिना देंगे। क्या क्या बता सर? हमारे पास है पनीर लबाबदार है, हनी चिली पोटैटो है, ये पापड़ी चाट है, पालक पत्ता चाट आएगा आपका, कांजी वड़ा आएगा, दही वड़ा। 300 मुश्किल हो जाएगी कितनी, ठीक है बात किया। 100 से ऊपर है। तो गाइस यहां पे आपको मिलेगा चाट काउंटर, लाइव पास्ता, मट्ठी छोले और प्रॉन्स भी भाई साहब, और भाई साहब ताजा ताजा गन्ने का रस, गन्ने का रस टस टस। तो गाइस यहां पे भी बारबेक्यू नेशन की तरह पूरी ग्रिल
लगाई जाती है टेबल पे। यहाँ पे एम्बियंस की बात करो ना, मतलब मैं तो ये ऐसे बर्तन देख के पिघल जाती हूँ, ऐसे तांबे के, पीतल के। मैं सच्ची बताऊँ, मैं एम्बियंस को दूंगा यहाँ पे 10 में से 10। प्रॉपर पंजाबी फील आ रहा है अंदर आके। इसका फायदा पता कब है? सर्दियों में हाथ सेकने के काम आता है। पालक पत्ता चाट हमारी आ चुकी है। भैया स्टार्टर कितने हमारे पास? सर 8 वेज स्टार्टर है, 8 नॉन वेज स्टार्टर है, उसके अलावा 7 प्रकार के चाट, राजचोड़ी, दही बल्ला, बेलपुरी, काजी बड़ा। अरे काम करो, आप ला लो, खुद ही देख लेंगे क्या है। इतना तो स्ट्रीट फूड मुझे नहीं पता था जितना भैया ने बता दिया। क्या भैया ये? अच्छा पोटैटो सालसा। ये राजचोड़ी लाया हूँ सर मैंने, और ये पापड़ी चाट लाया हूँ सर मैंने। आज तो बेटा हमारी जो वाट लगने वाली खा खा के। बट मैं इनकी प्रेजेंटेशन देख के पूरी इंप्रेस हो चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है मैं कड़छी से कुछ खा रही हूँ निकाल के। मलाई सोया चाट। अच्छा ये नॉर्मल डिम सम में वेजिटेबल? यस वेजिटेबल। ये पाइनएप्पल है? यस सर, अनानास खट्टा मीठा। अच्छा दिल्ली से? दिल्ली से आया भाई सीधा, ये अभी फ्लाइट पकड़ के। ऐसा लग रहा है शोरमा खा रहा हूँ। एक भैया रुमाली रोटी भी दे दे नीचे। देखो खा खा के मार लिया हमने डकार, अब बारी आ गई है अपना बढ़िया सा बुफे में इंक्लूडेड जो पान है वो खाने की। भैया एक बढ़िया सा मीठा पान दे दो। मुझे लगा बने बनाए पान रखे होते पान वालों ने, वैसे पकड़ा देंगे, पर भैया सामने बना रहे हैं। क्या बात है, मजा ही आया। और मैंने लिया है आम पापड़। ओए खट्टे वाला। फाइनली आ गए अपना बुफे खा के हम, और अब बारी आ गई आपको बताने की इज इट वैल्यू फॉर मनी और नॉट। मुझे तो इसका जो एम्बियंस है ना उसको देख के पता नहीं, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी जगह लगी। देखो मुक्ति को वो सारी जगहें बहुत अच्छी लगती हैं जो एकदम देसी पंजाबी पिंड वाली वाइब देती है, तो मुक्ति को ये पसंद जरूर आया। यहाँ पे हमें वेज बुफे पड़ा अराउंड 1000 रुपीस और 1 पर्सन। तो अगर आपकी जेब अलाउ करती है इतना महंगा बुफे खाना, इट्स अ रियली गुड प्लेस। क्योंकि अगर आप साइड पे वो चीजें भी करवाओगे जो बुफे में नहीं है तो वो भी यहाँ थोड़ी महंगी। मतलब हमने साथ में डाइट कोक ली तो 165 की डाइट कोक है, बट इट इज रियली वर्थ इट मेरे हिसाब। जिंदगी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है करना चिल। अब हम ट्राई करने आगे एक बहुत ही फेमस बुफे एट पायरेट्स ऑफ ग्रिल। और कैसे होगा चिल जब इतना मोटा फट जाएगा हमारा अभी अभी बिल। तो गाइस बफे के नाम पे जो दो ब्रांड्स हमें याद आते हैं ना वो है बारबेक्यू नेशन एंड पायरेट ऑफ ग्रिल। अभी पायरेट्स ऑफ ग्रिल चलते हैं और उसकी करते हैं अच्छे से इंस्पेक्शन। बात करते हैं पायरेट ऑफ ग्रिल की एम्बियंस की, तो इसको मैं कहना चाहूंगा गुड है, प्रीमियम फील हो रहा है, बट कोई थीम नहीं है। जैसे हम जीटी रोड में गए थे ना वहाँ पे एक देसी थीम था, पंजाबी थीम, जो मुझे अच्छा लग रहा अच्छा था वो। अगर हम जीटी रोड को 10 out of 10 देते हैं एम्बियंस पे, तो मैं इसको दूंगा 10 में से 8। मैं दूंगा 10 में से 7। और अब देखते हैं खाना इनका कैसा होगा। वैरायटी बहुत ज्यादा है। प्राइस डिनर की कॉस्ट जो है वेज की दैट इज 850 रुपीज और नॉन वेज की सिर्फ 890। एक बार चीजें ट्राई करते हैं और बताते हैं क्वालिटी भी क्या उस तरह की है कि नहीं। यहाँ पे भी अपना तंदूर जो है वो लग चुका हुआ है। भैया बस आप मुझे एक चीज बता दो, स्नैक्स में वैरायटी है कितनी है? ग्रिल्ड में 3 स्टार्टर है, 3 नॉन वेज में, क्रिस्पी कॉर्न सालसा प्लेटो, डिम सिम में पनीर टिक्का, पनीर मलाई, पनीर भुर्जी, पनीर कढ़ाई, चिकन टिक्का, चिकन, मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी है। डिम सिम ले आओ यार, रानी चाप। ओए हमने नॉन वेज कराया था बट अभी सिर्फ वेज आइटम आई है, तो मैं थोड़ा अभी गेड़ा दे सकता हूँ। थैंक यू। देखो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जब मैं बफे पहली बारी करने गया था मुझे लगा था इनका फोर्क जो है ना वो टूट चुका है, पर ये भाई साहब माल पत्ता निकालने के काम आता है। मुझे लगा तो था पर मैं बताना नहीं चाहता था किसी को, मेरी बेइज्जती ना। देखो अगर आपको भी कभी ऐसा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, मुझे लोनली लोनली फील नहीं होगा। अभी हमने सिर्फ ग्रिल्ड वेज स्नैक्स ट्राई करे हैं और टेस्ट लाजवाब, मजा ही आ गया। सोया चाप जो है ना मार्केट में इस तरीके की मिलती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मैदा मिक्स होता है, प्योर सोया चाप है। पनीर टिक्का वन ऑफ द बेस्ट पनीर टिक्का मैंने आज तक खाया है। मशरूम भी बहुत ज्यादा बढ़िया भाई, मेरे को हो गया प्यार। एम्बियंस उम्बियंस गई बाहर में, टेस्ट मैटर करता है अभी तो। नहीं टेस्ट तो मैटर करता है, पहले वाली जगहों से बेटर लग रहा है भाई
साहब भाई स्टार्टर में यहाँ पे रुमाली रोटी के साथ सीख कबाब भी दिया जा रहा है। ब्राजीलियन चुरास्को पाइनएप्पल। ब्राजीलियन चुरास्को पाइनएप्पल। अरे तुम खाने पे ध्यान दो यार, छोड़ो नाम ना। पैसे देखो बुफे में ना स्नैक से ही पेट भर जाता है, पर पैसे खर्चते होते हैं तो मेन कोर्स को भी ना छोड़ना नहीं चाहिए, वो भी खाते हैं। सच बोल रहा हूँ, पेट में ना बिल्कुल जगह नहीं बची है, पर खाना इतना स्वाद है ना कि मेन कोर्स छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ये बिरयानी आ चुकी हुई है मुर्गे के साथ। देखो मेरा तो पेट पूरा भर चुका है, मैं तो मेन कोर्स भी नहीं कर रहा, मैंने सीधा गेड़ा दे दिया डेजर्ट से, क्योंकि मीठा जो है ना वो पेट में नहीं जाता है, दिल में जाता है। तो अपना करते हैं खाना एंजॉय, फिर आपको एंड में बताएंगे कि सारा कुछ कैसा था। तो जी बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी है ये या नहीं है। तो मुझे लगता है भाई है तो है। अगर आप दो तीन जने यहाँ पे आ रहे हो ना खाना खाने के लिए और खाने की वैरायटी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। बट इनका बुफे का जो प्राइस है, एम्बियंस है, खाने का टेस्ट है, वो खाने को सारे एक्सपीरियंस को वर्थ इट बना देता है। और गाइस बुफे के बारे में एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि खाते वक्त तो लगता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया, पर खाने के बाद जो रिग्रेट वाली फीलिंग आती है, ओवर ईटिंग वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही गंदी फीलिंग वो तो एक बुफे खाने के बाद आती है। हमने तो कितने खा लिए भाई। अगर आपको भी सेम ऐसा ही लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, कमेंट करके बताना आप अगली वीडियो में क्या देखना चाहोगे। बाय।